हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रांजिट टेक के एक और नई वीडियो में मैं रुद्रेश और आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टेक एंड टेक से रिलेटेड 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग लगने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर वन, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अराउंड 86% लोग आज भी जो यूएसबी कनेक्टर्स होते हैं उन्हें उल्टा करके उनके पोर्ट में प्लग करने की कोशिश करते हैं, और कुछ देर बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो उल्टा घुसा रहे हैं उसे, वो वापस से उसे सीधा करके ट्राई करते हैं। और इस चीज को सही करने के लिए यूएसबी टाइप सी का रिवर्सिबल कनेक्टर हमें देखने को मिला था। ऑफकोर्स उसमें इसके अलावा बहुत सारी चीजों का इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि उसे मॉडर्न बनाता है, बट फिर भी इस वजह से ही हमें टाइप सी का जो पोर्ट है वो देखने को मिला, जो कि अभी 2020 के लास्ट क्वार्टर से ही एक यूनिवर्सल पोर्ट बन गया है। अभी तो ये स्मार्टफोन्स के लिए यूनिवर्सल पोर्ट बना है, कुछ दिनों बाद ये शायद सारे के सारे बड़े वाले जो टाइप ए के यूएसबी पोर्ट्स है उन्हें भी शायद रिप्लेस कर देगा। फैक्ट नंबर टू, तो फ्रेंड्स क्या आपको ये चीज पता है कि गूगल अपने माउंटेन व्यू में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो लॉन है वहाँ से ग्रास यानी कि घास को कैसे काटता है? तो आप शायद ये जवाब देंगे कि ये इतना बड़ा टेक कंपनी है, ये जरूर वर्कर्स के हाथ में मशीन्स या फिर रोबोट्स को इस काम के लिए यूज में ले रहा होगा। बट द फैक्ट इज दैट कि गूगल इस काम के लिए करीब 200 गोट्स को यानी कि बकरियों को भाड़े में लेता है घास चरने के लिए वहाँ पे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि गूगल इस काम के लिए बकरियों को वहाँ पे घास चराने के लिए वो भाड़े में लेता है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस था उसको वुड से बनाया गया था, और ये जो वुडन माउस था इसे 1964 में डॉज एंगलबर्ट ने बनाया था। इस माउस का शेप एकदम रेक्टेंगुलर था और ये उस समय पूरा का पूरा वुड का बनाया गया था। इसका जो ढांचा था उसे एंड इसके टॉप राइट कॉर्नर में एक छोटा सा बटन दिया गया था, सिर्फ उसी बटन को यूज करके ही आपको GUI में यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नेविगेट करना था, आपके कर्सर को मूव करना था। वो इसे माउस कहने लगे क्योंकि इसमें जो तार लगा हुआ था एंड इसके शेप की वजह से भी ये उन्हें थोड़ी बहुत चूहा जैसा लग रहा था, इस वजह से उन्होंने इसका नाम माउस दे दिया। वैसे उसका जो तार है वो नीचे से निकल रहा था, आजकल की जो वायर्ड माउस होते हैं उनमें तार जो है वो फ्रंट से निकलता है, बट उस टाइम पे इस माउस में जो वायर था वो पीछे से बाहर निकलता था, जो कि एक मेन रीजन दे देता है उस माउस को माउस कह के पुकारने की। फैक्ट नंबर फोर, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जब फर्स्ट आईफोन का लॉन्च इवेंट चल रहा था या फिर उसका प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, तब जो एक्चुअल में आईफोन था वो काफी बगी था। उसमें रैम एंड कैच मैनेजमेंट का सिस्टम इतना खराब था कि बस कुछ ही देर के यूसेज के बाद वो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जा रहा था, उसका जो iOS था वो क्रैश हो जा रहा था, उस फोन को बस कुछ ही टाइम चलाने से वो फ्रीज हो जा रहा था एंड उसका OS भी काफी ज्यादा बगी था। और क्योंकि वो लोग इवेंट का जो डेट है उसे चेंज नहीं कर सकते थे या फिर इवेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो जॉब्स ने क्या किया, उन्होंने इवेंट के टाइम पे वहाँ पे उस डेस्क के पीछे से ही आईफोन्स को बारी बारी से चेंज करते रहते थे। जब एक आईफोन फ्रीज हो रहा था उसके बाद और एक यूज कर रहे थे, मतलब इस टाइप से उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को हैंडल किया। देन उसके 6 महीने बाद जाके फाइनल आईफोन मार्केट में लॉन्च हुआ जो कि बहुत ही स्टेबल एंड ऑप्टिमाइज था। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगी हमारे नए ब्लॉग चैनल की, कुछ ही दिनों बाद ही मैं उस पे ब्लॉग डालने वाला हूं, तो आप जरूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या हमको पता है एक बार यूएस एयरफोर्स ने 1760 यानी कि 1760 PS-3s को एक बार क्यों खरीद लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि 2010 में यूएस एयरफोर्स ने 1760 प्लेस्टेशन 3s को यानी कि गेमिंग कंसोल्स को मार्केट से खरीद कर उन सभी को जोड़ के एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जो कि उनके डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया था। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि भाई PS-3s को क्यों चूज किया उन लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे PS खरीद के इसे काम चलाना काफी कॉस्ट इफेक्टिव था उनके लिए, ये उनके एक सुपर कंप्यूटर मेकिंग कॉस्ट को काफी ज्यादा कम कर रहा था अगर वो PS-3 से काम चलाते हैं। तो अगर PS-3 से सस्ते में काम बन जा रहा है तो वो कंप्यूटर चिप्स को ही क्यों खरीदे वाला? तो इस वजह से उन लोगों ने 2010 में 1760 PS-3 को खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 6, जनवरी 2021 के इंटरनेट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 4.9 बिलियन यानी कि 490 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंटरनेट का यूज करते हैं। 2020 में रिकॉर्ड हुई ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि 7.8 बिलियन का है, यह आंकड़ा उसका करीब 63% है।
और ये नंबर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपको फर्स्ट इंटरनेट का एक्सेस कब मिला था, वो भी वायरलेस मोबाइल नेटवर्क हो या फिर ब्रॉडबैंड या फिर डायल अप कनेक्शन हो या फिर कुछ भी हो, आपको फर्स्ट इंटरनेट का एक्सेस कब मिला था आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों, हम सब तो डेली लाइफ में बहुत सारे सर्चेस करते रहते हैं इंटरनेट पर, और सर्चेस करने के लिए सबसे ज्यादा लोग गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं जो कि 92.7% का है। और उसके बाद आता है बिंग सर्च इंजन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसके थ्रू 2.8% ऑफ टोटल सर्चेस किए जाते हैं। उसके बाद आता है याहू, जिससे कि 1.6% ऑफ टोटल सर्चेस किया जाता है। देन उसके बाद आता है बाइडू जो कि एक चाइना बेस्ड सर्च इंजन है, इससे करीब 0.9% की सर्चेस की जाती है। और इन सब के बाद नंबर आता है यानडेक्स का, जो कि रशिया में गूगल टाइप का यूज किया जाता है, इसका है 0.8% का। देन आखिर में आता है डकडकगो एट 0.5% ऑफ टोटल सर्च रेट। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया यूजर्स है वो औसतन दिन में 2 hours and 22 minutes सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्क्स पे स्पेंड करते हैं, जो कि वीकली 1008 minutes और महीने में करीब 4032 minutes है और साल में करीब 48,384 minutes जो कि 806.4 hours पर ईयर है। तो वाकई में ये नंबर काफी ज्यादा है। वैसे आप अपना कितना टाइम स्पेंड करते हैं इन सोशल मीडिया में नीचे कमेंट करने को भी मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नाउ फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स है उनके डोमेन नेम्स में से 43.8% यानी कि ऑलमोस्ट हाफ .com एंड .net वाले डोमेन्स है, बाकी के तो वही .tk.org वगैरह वगैरह होते होंगे। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट के लिए जो वेबसाइट्स होते हैं वो .gov.in या फिर .in या फिर .nic.in, इन सभी नाम के डोमेन्स होते हैं। बाय द वे, मैं भी सोच रहा हूँ वही transit.tech नाम से एक डोमेन खरीद लूँ। आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ एंड में फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि ये जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं जो कि टीवी पे, वेबसाइट्स पे, इन सभी जगहों पर सर्व किए जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर भी, जिन्हें हम फोन, कंप्यूटर्स, टीवीज, लैपटॉप्स, इन सभी चीजों पे देखते हैं, अभी स्ट्रीट में लगे हुए टीवीज पे भी, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इन सभी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के 55% जो एड्स होते हैं ये मोबाइल यूजर्स को ही सर्व किए जाते हैं। यानी कि आप अपने स्मार्टफोन पे जो एड्स देख रहे हैं वो करीब 55% है टोटल डिजिटल एड्स की। तो ये हिस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है स्मार्टफोन्स के लिए, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स पे ही लोग अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजर्स भी यहाँ पे इन स्मार्टफोन्स के थ्रू लोगों को ऐड दिखाने को प्रेफर कर रहे हैं। तो बस ये था इस वीडियो में, ये टेक फैक्ट्स के सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आते तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, इसी और भी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा।